ईडी ने टेंडर विवाद में दर्ज मामले में शुक्रवार को हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि जेएमएम नेता पंकज मिश्रा सहित 14 लोगों के 18 ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी के दायरे में माइंस के व्यापार से संबंधित लोगों को शामिल किया गया है। ईडी ने यह कार्यवाही बरहरबाद थाने में दर्ज टेंडर मैनेजमेंट करने के संबंधित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में की है। छापेमारी के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए नकद, व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। राज्य के बाहर होने के कारण पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। फेरी संचालक दाहू यादव के भी राज्य से बाहर होने की सूचना है। इसके अलावा बंगाल के 5 स्थानों पर भी छापेमारी हुई है। ईडी ने मालदा में सुल्तानगंज और गोपालगंज में 2 लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली है। जिन लोगों के ठिकानों पर रेड की गई है वो ट्रांसपोर्ट और स्टोन चिप्स के कारोबारी से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।